चलो तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। लेट ए, ठीक है, एक ए सेट दे रखा है, एक बी सेट दे रखा है और अपने को एक फंक्शन दे रखा है, और बोला क्या है, सो दैट एफ इज नॉट वन वन बट ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो ठीक है, देख लेते हैं, मैप कर लेते हैं। ये क्या है, ये है अपना ए और एक है अपना बी, ठीक है। तो ये क्या है, 1 2 3, बी क्या है, 4 और 5। तो यहाँ से ए से बी कुछ मैप करेंगे, ये फंक्शन है एफ, ठीक है। तो देखो क्या कैसे दे रखा है अपन, फंक्शन अपना क्या क्या दे रखा है कि 1 को 4 है, 2 से 5 रिलेट कर रहा है और 3 से 5, ठीक है। दो वन वन की अगर बात करते हैं तो वन वन का मतलब ही यही होता है कि किसी एक मतलब किसी दो आउटपुट के, किसी दो इनपुट के लिए एक आउटपुट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो लेकिन अपने ये दो आउटपुट के लिए, 2 और 3 के लिए ये सेम इनपुट है, 2.3 इनपुट के लिए, मतलब 2 और 3 अपना जो इनपुट है उनके लिए सेम आउटपुट है अपना 5। तो इट मीन्स ये 1 1 तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ से ये समझ में आ गया। और अगर हम ऑन टू की बात करें तो ऑन टू का मतलब क्या होता है कि जो ये वाला सेट होता है, बी वाला सेट जिसको अपन कोडोमेन भी बोलते हैं, इसका जो हर एक एलिमेंट है वो किसी न किसी एक एलिमेंट से ए के हमेशा मैप होना चाहिए। मतलब कि जो अपना ये कोडोमेन है, मतलब अपना जो आउटपुट है वो किसी ना किसी एक का इनपुट होना ही चाहिए। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है वो किसी ना किसी एक का मतलब आउटपुट होना ही चाहिए। तो हाँ यहाँ पे देखो ये भी है और ये भी, ये तो दो दो का है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑन टू है।